ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾ ਲੈਣ ਠੀਏ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੇੜੀਆਂ ਆਈਆਂ ਰੇੜੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਲਾਣਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਥੋੜੀ ਲਾਈ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਖਲੋਤੇ ਹੋ ਭਾਈ ਨੇ ਸਵਾਰੀ ਲਾਈ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਲਾਈਏ ਫਿਰ ਜੀ ਤੋ ਜਿੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਸਵਾਰੀ ਲਾ ਕੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਖਲੋਤੇ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਡ ਤੋਂ ਕੱਢ ਲਓ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਲਾ ਦੇ ਹੁਣ ਉੱਧਰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਲਾਣਾ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਲਾਈਏ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਰੋਡ ਕੇ ਵਿਚੋ ਵਿਚ ਖੜੇਗੇ ਨਹੀਂ ਖੜੇ ਖੜੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਜਦ ਮੈਂ ਆਪਕੋ ਬਤਾ ਰਹਾ ਹੂੰ ਜਦ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ नहीं जब जगह नहीं मिली फलाने की भी गलती है फलानी गलती है भाई भाई सारी गलत है ना वहाँ से यहाँ तक जब आ रही है ट्रैफिक सारी आ रही है सारी ये हाल ठीक हो खैरियत ना तू इंज ला इंज ला दियो बंद करो रोड मैं सवारी लाई है चल आप ठीक है शुक्र है सवारी उतारी है भाई यार आप सारे लोग रोड अच्छा पे ये बताओ कोई बैठा हो तो कोई यहाँ पे बता यहाँ पर उतार दो पीछे भी वो रेडियां गड्डी वो देखे पीछे भी सवारी गड्डी आपकी बात ठीक है मगर कोई सवारी गए भाई इधर उतार एम्बुलेंस आई है तो उसको जगह रास्ता नहीं मिले बंदे की डेथ हो गई ये बड़ा अहम मसला है ये अहम मसला है हालात है यार की एम्बुलेंस फंसी रही है बता रहे हैं की कैजुअलिटी होगी डेथ होगी अब ये देखें ये पीछे एम्बुलेंस फंसी हुई है ये पीछे एम्बुलेंस फंसी हुई है और यहाँ से गुजरना इतना मुश्किल है अब वो देखिए उसमें मरीज़ भी मौजूद है लेकिन ये बताएंगे कि फलां ने रेड़ी लगाई हुई है फलां का रिक्शा है फलां का ये मामला है फलां का वो मामला है कि एम्बुलेंस को जगह नहीं मिल रही और बता रहे हैं कि कुछ रोज़ पहले ये आप ये देखें ना थोड़ा सा अब यहाँ पे कैमरा लगाए दिखाए ना यहाँ पे लोगों सब लोग रेडियाँ लगाई अच्छा कुछ दिन पहले भी एम्बुलेंस फंसी रही बिल्कुल फंसी और वो लेट की वजह से वो मेरे ख्याल में कंप्लेन भी किया किसी ने तो आए हैं कॉर्पोरेशन वाले लेकिन वो आते हैं उनको 5 मिनट बाद फिर दोबारा वैसे ही हो जाता है माल मूल लेके जाते होंगे मंत्री लगी है उनका मंत्री लगा हुआ है ये देखिए अस्सलाम वालेकुम भाई क्या हाल है ठीक है भैया यार रोड से लाता है क्या कितने लाया है पार्किंग की जगह उठा लेते हैं भैया ना अभी उठा लेते हैं उठाओ यार इसको उधर से नहीं उठाओ आप रोज लगाते हैं यार तो रोज सारी लगाते हैं हम अकेले फंसी हुई है ले उठाओ यार जिसके पास जाएंगे हाँ जी जल्दी उठाओ मैं पहले उठाऊंगा ये मैं पहले उठाऊंगा आप 10 मिनट के लिए उठा रहे हैं भैया ने ये तो अब मुझे नहीं पता 10 मिनट के लिए आपने मुझे कहा ये गैर कानूनी मैं उठा रहा हूँ तो पक्का इस पे अमल भी करें ना अमल कर लूंगा फिर लगा होगा सब करें तो मैं भी कर लूंगा सब करें तो मैं कर लूंगा आप अपना नहीं जवाब दे रहे कि आप क्यों कब्जा करके बैठे हैं कब्जा क्या है भैया रिजक कमा रहे हैं बच्चों के लिए ये कब्जा सारा रोड बंद है यार ये रिजक कमा रहे हैं बच्चों के लिए रोड बंद है किधर जाएं फिर सारा रोड बंद है किधर जाएं ना हमें बता देना यहां पे एम्बुलेंसेस फंसी हुई है भैया किधर फंसी है इनको अभी फंसी मैंने अभी आपको पहले दिखाई एम्बुलेंस दिखाइए भैया आपको क्या कर सकते हैं बताएं हम यार आप यही कर सकते हैं कि आप कानून की माने और क्या करना है भैया मान तो रहे हैं उठा रहे हैं और क्या करें बताएं आप ओ ये तो आप अभी 5 मिनट के लिए उठा रहे हैं फिर रख लेंगे जब सब उठा लेंगे मेरा भी नहीं नजर आएगा आपको इधर भाई मेरे पीछे से पहले स्टार्ट करें जाके देखें पहले क्या सब उठाएंगे तो करेंगे वरना कुछ नहीं सब बाकी कहीं भी नजर आ रहा पूरा पाकिस्तान सबसे मिल के आया हूँ फिर उठवाए ना फिर कह रहे हैं अगलों से मिलने अगले कह रहे हैं पिछले से मिलने बस मिलन मिलान करते रहे और बस सिस्टम चलता रहता है इसी तरह कॉर्पोरेशन वाले आए कहते हैं कि हमसे मिल लें उससे मिल लें मिल मिला के काम चलेगा और बैठे हुए सारे रोड पे अब ये देखे नाजरीन यहाँ से रोड शुरू हो रहा है यहाँ से ये लाइन है जो रोड को और पेडेस्ट्रियन पाथ और पार्किंग से जुदा करता है और अब यहाँ से देख लें एक रिक्शा दो रिक्शा तीसरा रिक्शा चौथा रिक्शा और आगे सिर्फ 10 फुट जगह दी हुई है सिर्फ रोड को गुजरने के लिए नाजरीन अब ये देखें कि ये पूरा रोड जो है उसको जाम किया हुआ है रिक्शे खड़े हुए हैं हाँ जी भाई अस्सलाम वालेकुम क्या हाल है वालेकुम सलाम कितनी जगह भला गवर्नमेंट की जगह की तो इतने चार दीवारी करो वो किस गलो ਤੁਸੀਂ ਰਿਕਸ਼ਾ ਵੀ ਤੇ ਖਿਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਯਾਰ ਪਾਣੇ ਹੀ ਰਿਕਸ਼ਾ ਸਾਡਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਤੇ ਵੈਸੇ ਖਲੋਤੇ ਆ ਵੈਸੇ ਖਲੋਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਕਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਵਾਲੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰਿਕਸ਼ੇ ਆ ਹੈ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰਿਕਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਆਟੋ ਆਟੋ ਹੈ ਆਟੋ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਖਲੋਤਾ ਕਹਾਂ ਖੜਾ ਇਹ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆ ਕੌਣ ਦੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਸੜਕ ਦੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਯਾਰ ਮੇਨ ਰੋਡ ਤੇ ਕਰੇ ਇਸਕੋ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਕਰ ਲੈ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਯਹਾਂ ਪੇ ਇਸੇ ਤੇ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ ਉਧਰ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਕਰਾਂਗੇ ਆ ਕੇ 40 ਫੁੱਟ ਬਾਹਰ ਰਹੇ ਦੁਕਾਨ ਕੇ कौन सा वो कराची वाले सब कर रहे हैं उधर भी जा वाले आए साथ चलें करवा के जाए ना आप यार आप नहीं मानेंगे तो वो मानेंगे क्यों नहीं मानेंगे हमारा काम निशानदेही करना क्या बात निशानदेही करना काम है वही कर रहे हैं सेंटर में गाड़ियां लगाई हैं बाजारों वाले आप वो भी साफ करवा के आए सब निशानदेही कर सकते हैं आप हम पुलिस तो नहीं है क्या मां के आपको तो पुलिस साथ लेके है ना ये सुकू को हटाएं इनको हमारा काम है आप जान भी ना हो निशानदेही कर रहे हैं कि हमारे होते हैं यहां पे चाहते हैं हम तो ये चाहते हैं रोड साफ हो क्यों नहीं करवाते लोग ये रिक्शे वाले क्यों नहीं करते हम तो साइड पे कर लेंगे जब आप कहेंगे अभी कह रहा हूँ कर ले क्यों करे अभी पहले करवा ले ना जाके ना क्यों करे अभी कह रहे साफ करवाए ये रेडियो वाले साफ करवाए सर क्या हाल है शुक्र है शक्ल होता है चार दीवारी कर लो कितने कर लीए रोड चार दीवारी कर लो किस वजह
ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਤੇ ਖਲੋਤੇ ਹੋ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੀ ਹੈ ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮਾੜੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ ਕਿਹਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੀ ਹੋ ਕੇ ਤਕਰ ਕੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛ ਕੇ ਆਏ ਆ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਗਰੀਬ ਰਸਿਆ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਲੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਰਿਕਸ਼ੇ ਕਾਰ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕਾਰ ਵਾਲਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਡੀ ਵਾਲਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਦੇਖੋ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਗੈਰ ਕਿਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾਰਕਿੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਮਾੜੇ ਲੋਕ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਇਹ ਮਾੜੀ ਲੈ ਕੇ 92 ਆਉਂਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਫੜੀਆਂ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਗੈਰ ਕਿਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਾਈਏ ਰੋਜ਼ੀ ਕਮਾਣ ਕਿਤੇ ਜਾਈਏ ਤੁਸੀਂ ਚਾਰ ਦੁਆਰੀ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਰੋਡ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਰਹੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਲੋਨ ਆਸੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਰੋਟੀਓ ਹਜ਼ਾਰ ਹੋਏ ਪਏ ਖਲੋਣੇ ਲੱਗੇ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਕਿਹੜਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਰੋਡ ਹੈ ਨਾ ਇਹ 2 ਮਿੰਟ ਐਂਬੂਲੈਂਸਿਸ ਫਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਫਸੇ ਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਂਦੇ ਨਹੀਂ ਰਸਤਾ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਾਰੀ ਸੜਕ ਚਾਰ ਲੈਣਾ ਤੁਸੀਂ ਰਿਕਸ਼ੇ ਦੀ ਲਾਈ ਆਏ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਸੜਕ ਬਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬਲਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਭਾਈ ਅਜੀਬ ਬਾਤ ਹੈ ਫਲਾਣਾ ਕਿਹਗਾ ਫਲਾਣੇ ਕੀ ਵੈਸੇ ਇਹਨੂੰ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਕਰੋ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਕਰੋ ਇਹਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਕਰੋ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਆ ਮੱਛੀਆਂ ਲਓ ਦੇਖੋ ਕਿਧਰ ਭਾਈ ਆਪ ਆਪਣਾ ਤੋਂ ਬਤਾਏ ਮੱਛੀ ਵਾਲੇ ਮੱਛੀ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਰੋੜੀ ਕਮਾਉਣੀ ਕਿ ਕੌਣ ਸੇ ਕੰਮ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਕਰੇ ਸਾਨੂੰ ਝਾੜੂ ਖੜਾ ਦੋ ਇਸ ਕੋ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਕਰ ਲੈ ਸਾਨੂੰ ਕੋ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਆ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡ ਬਣਾ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕੋ ਰੋਜ਼ੀ ਕਮਾ ਲਈ ਕਿਧਰ ਜਾਈਏ ਭਾਈ ਮੇਰੀ ਬਾਤ ਸੁਣੇ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾਏ ਲੇਕਿਨ ਆਪ ਕੀ ਵੈਸੇ ਯਹਾਂ ਪੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸਿਸ ਫਸੀ ਵੀ ਹੈ ਅਬ ਉਸ ਕੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਓ